हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियस माइंड्स। तो रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने अपना रिवाइज सिलेबस रिलीज़ किया, जिसमें सीबीएसई ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को सिलेबस से रिमूव कर दिया है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण जो स्टूडेंट्स की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। इसी के कारण सीबीएसई ने जो रिवाइज सिलेबस है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्लास टेंथ में साइंस और मैथ के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले साइंस का सिलेबस देखते हैं। जो लेफ्ट साइड में है वो है 2019-20 का सिलेबस, और जो राइट साइड में ये जो रिसेंटली सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है। अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो दोनों में ही जो फाइनल एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट। यहाँ पर अगर हम मार्क्स में डिफरेंस देखें तो मार्क्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही 5-5 यूनिट्स हैं और दोनों में जो मार्क्स की लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम यूनिट वाइज चेंजेस को देखें, जो जो चीजें रिमूव हुई है, यूनिट वन में से जो केमिकल रिएक्शन है वो दोनों में ही सेम है। इसके अलावा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी दोनों में सेम है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है केमिकल रिएक्शन और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके अलावा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर सेम है, पर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स में काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई है। कार्बन कंपाउंड्स में हमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन होमोलोगस सीरीज, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, नोमेनक्लेचर हो गया, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की, और इसके अलावा इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और सोप्स और डिटर्जेंट्स, ये सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं जो रिसेंटली रिवाइज सिलेबस रिलीज किया उसके अंदर। अब यूनिट सेकंड को देखें, जो बायोलॉजी है उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन को रिमूव कर दिया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये पूरा चैप्टर रिमूव है। इसके अलावा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन को रिमूव कर दिया, जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन है उसको रिमूव कर दिया है। तो हमें सिर्फ लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है बायोलॉजी में, ठीक है। अब नेचुरल फिनोमिना को देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक सेम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक सेम है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, ये भी सेम है, और रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म, ये भी सेम है। पर जो फंक्शनिंग, जो ह्यूमन आई का जो चैप्टर था उसको रिमूव कर दिया है, ओके। तो ह्यूमन आई को रिमूव कर दिया, बाकी सब कुछ नेचुरल फिनोमिना में सेम है। यूनिट नंबर फोर, हाउ थिंग्स वर्क में इफेक्ट ऑफ करंट को देखें। जो इलेक्ट्रिक करंट वाला जो पार्ट है वो सेम है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट के जो सारे टॉपिक्स हैं वो दोनों में ही सेम है। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को देखें तो इसमें कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इन सब टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। और यूनिट फिफ्थ में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका सिर्फ अवर एनवायरनमेंट वाला पार्ट ही रखा है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रिमूव कर दिया गया रिवाइज सिलेबस में, सिर्फ अवर एनवायरनमेंट को रखा है। जो इंटरनल असेसमेंट है उसके अंदर जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इस चैप्टर को इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्स में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन किए हैं उन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है रिवाइज सिलेबस में, ओके। तो ये साइंस की बात हो गई। अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी अगर चैप्टर वाइज मार्किंग को देखें तो वो बिल्कुल सेम है, पर जो सब टॉपिक्स हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर वन, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स को देखें तो इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को रिमूव कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब रिवाइज सिलेबस में नहीं है। और यूनिट सेकंड में देखें तो यूनिट सेकंड में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, थोड़े से चेंजेस हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया है, ओके। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में।
क्वाड्रिक इक्वेशन में देखें, इसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में देखें, इसमें क्या चेंजेस किए हैं। देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। ओके, अब अगर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को देखें तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं है। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिमूव कर दिया, इसके अलावा बाकी सारा सिलेबस सेम है। जियोमेट्री में ट्राइंगल्स को देखें तो ट्राइंगल्स में भी कुछ चीजों को रिमूव किया गया है। कौन कौन सी? तो जियोमेट्री में 0.7 प्रूव द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको रिमूव किया है। प्रूव इन अ ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑन द अदर टू साइड, द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, इन दोनों पॉइंट्स को रिमूव कर दिया गया रिवाइज सिलेबस में। तो ये जो 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 चीजें रिमूव हुई है, इनको आप एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे कि इन इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 5 में देखें तो यूनिट 5 में भी कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है। यूनिट 5 में जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया है। ओके ठीक है, तो कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको भी रिमूव कर दिया है CBSE ने। और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में देखें तो इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ है। अब मेंजुरेशन को समझते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है। ओके, उसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसको रिमूव कर दिया है। सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। अब बारी है सेवंथ यूनिट की, जिसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड है, उसको रिमूव, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है इसको रिमूव किया है, बाकी एज इट इज है। और प्रोबेबिलिटी में देखें तो प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये चेंजेस हुए हैं रिवाइज सिलेबस में। तो इन जो चेंजेस को आप नोट कर सकते हैं एक नोटबुक में ताकि आपको बाद में याद रहे। इसके अलावा जो सर्कल्स, अब सर्कल्स में देखें तो सर्कल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पर कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया। सर्कल में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है। तो ये चेंजेस हुए हैं। अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो एग्जाम पैटर्न दोनों में ही सेम है, एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है, बस कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है, जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि उनकी स्टडीज़ हो नहीं पा रही, स्कूल्स ऑफ है, कोचिंग्स ऑफ है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी था और ये CBSE की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल्स को और इस चैनल पे आप साइंस को एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारी बाकी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर चेक करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।